हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज का जो ये वीडियो है ये एनसीईआरटी पे बेस्ड है, क्योंकि जो एनसीईआरटी वो काफ़ी लेंदी है और बहुत बच्चों को बोरिंग लगती है, क्योंकि इलस्ट्रेशंस ज़्यादा नहीं है, फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है, थ्योरी बहुत ज़्यादा है और पढ़ने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। बट अगर आपको उसका रिटर्न में, यानी कि जितना टाइम आप एनसीईआरटी को दे रहे हैं, अब आपको रिटर्न में पूरा फायदा हो रहा है कि आपको वो याद हो जा रही है एक बार में जितना आप कर रहे हैं। सो ये बेस्ट वे रहेगा आपके लिए, क्योंकि पढ़ना तो है ही है आपको एनसीईआरटी, बट अगर आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो आपको याद हो रहा है, आप उसे पेपर तक याद रख पा रहे हैं और बहुत कम रिविज़न में भी आपका काम हो जा रहा है, सो वही आपके लिए बेस्ट वे रहेगा। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये जेई मेन 2020 एस्पिरेंट्स के लिए है, जिनका एग्ज़ाम अभी मई लास्ट वीक में शेड्यूल्ड है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। कमिंग टू फर्स्ट थिंग, जो सब बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो टेक इट ईजी, बहुत हार्ड नहीं है, बस करना क्या है, जो मैंने भी फॉलो किया था और सही में बहुत बच्चे यही फॉलो करते, दो कॉपी बनाइए और एक में सारी रिएक्शंस लिखिए। पहली कॉपी में मैंने कहा है कि आप पूरी थ्योरी लिख लीजिए, IUPAC नेमिंग कैसे करते, कंपाउंड्स के नाम लिख लीजिए और NCERT से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लीजिए, और सेकेंड रिएक्शन में पूरी रिएक्शंस और रिएजेंट्स लिख लीजिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर में जितनी भी रिएक्शंस आई उनको नोट डाउन कर लीजिए विद सॉल्यूशन। और जो आपकी फर्स्ट कॉपी है जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको हर फोर्थ डे पे हाफ आवर रिवाइज करना चाहिए आपको, हर फोर्थ डे पे हाफ आवर रिवाइज। और जो सेकेंड कॉपी है उसको आपको हर दिन अराउंड 20 मिनट्स रिवाइज करना चाहिए। तो इससे जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा वो काफ़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। जो कॉपीज आपको कंप्लीट करनी है उसके लिए डेली आपको अराउंड हाफ आवर देना होगा। हाफ आवर आप NCERT खोल के बैठे तो आपको ज़्यादा टीडियस भी नहीं लगेगा, साथ ही साथ अगर आप NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल्स देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं और जेई मेन के लिए बेस्ट है, उन्हें भी ज़रूर सॉल्व कीजिए। कमिंग टू लास्ट थिंग, की जो NCERT की एक्सरसाइज है, एग्जेम्पलार है और एनी स्टैंडर्ड बुक, जो कि मैंने जो सॉल्व की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हिमांशु पांडे की थी, GRB की थी और MS चौहान की थी। MS चौहान तो मैंने मोस्टली एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स के लिए की थी, बट जितना मैंने आपको ऊपर बताया वो जेई मेंस के लिए सफिशियंट है, प्लस हिमांशु पांडे और GRB भी आप कर सकते हैं। NCERT एक्सरसाइज इज मस्ट एंड एग्जाम्पलर इज ऑल्सो मस्ट। तो इतना ही आपको करना है, दो कॉपी बना के सेकेंड में आप वो रिएक्शंस लिखिए, फर्स्ट में थ्योरी लिखिए, सेकेंड कॉपी को डेली रिवाइज करना है और आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। कमिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज़ द स्कोर बूस्टर, क्योंकि अगर इसमें यानी आपको बस थोड़े से फैक्ट्स याद रखने होते हैं एंड इट्स ऑल डन। आपको उसके अलावा बस पेपर में फटाफट आप 10 मिनट्स के, आप 5 मिनट्स में भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक कॉपी बनानी है। अब मेरे को एक कमेंट आया था कि कुछ चैप्टर्स में क्या बोलते हैं, लास्ट का कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो बायोमोलिक्यूल्स का था, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए था। सो ऐसे ही कुछ बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से भी सोचते हैं कि भाई ये पार्ट से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सो ऐसा कुछ नहीं, आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि आप NTA में क्वेश्चन फ्रेम नहीं करते हैं जाके, यू आर द स्टूडेंट, सो पेपर में कुछ भी आ सकता है, सो आपको यू हैव टू स्टडी ऑल द थिंग्स। सो ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसका वेटेज कम है इस पेज का, सो यू आर नॉट फ्रेमिंग द पेपर, पेपर में दे कैन टेक एनी पॉइंट। एंड अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो अराउंड एक चैप्टर कंप्लीट करने में 4 घंटे तो लगेंगे ही, सो एक हफ्ते में अराउंड 2 दिन निकालिए और 2 दिन बैठ के 2-2 चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए, और उसी हफ्ते हर चौथे दिन अराउंड आधे घंटे उसको रिवाइज कर लीजिए। जो भी आपने चैप्टर लिखा है उसको हर फोर्थ डे उस डे से आप उसको रिवाइज कर लीजिए हाफ आवर के लिए, सो उससे आपको पूरा का पूरा वो चैप्टर याद हो जाएगा 1.5 मंथ में। कमिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें एफर्ट्स ज़्यादा नहीं चाहिए, एक कॉपी बना लीजिए, 12th चैप्टर्स में भी बहुत आसान पॉइंट्स आते हैं, उनको आप लिख के याद कर सकते हैं। 11th चैप्टर्स जो है 11th क्लास के, उनके अंदर आपको फॉर्मूला बेस्ड जो आप पूरा काम करेंगे उससे भी आपको फुल ऑन फुल स्कोर कर सकते हैं। फॉर्वर्ड एग्जाम्पल्स क्लास 12th के अंदर जो आपको न्यूमेरिकल्स दिए उनको ज़रूर करें। NCERT एग्जाम्पलर करना मैं तो कहूँगा मस्ट है, और आप एन अवस्थी या कोई भी कोचिंग मटेरियल रिकमेंडेड बुक सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ जेई मेंस के लिए,
जी एडवांस के लिए आपको काफ़ी हार्ड इसमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसके लिए आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो ये सिर्फ जी मेंस के लिए है। कमिंग टू फिजिक्स, नो टेंशन रिक्वायर्ड, आप सिर्फ एनसीईआरटी की थ्योरी या फिर इसमें एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा मस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम आएगा, एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं, वो भी मैंने लास्ट चैप्टर लास्ट पॉइंट में लिखा है कि कुछ चैप्टर्स है कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर्स एंड मैग्नेटिज्म, इनके लिए आप एनसीईआरटी प्रेफर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो बाकी बुक में जो दिया है वो ज़रूरी नहीं कि एनसीईआरटी का कोई पॉइंट छूट गया हो, वही पेपर में आ जाए, तो आप उनके लिए एनसीईआरटी प्रेफर करें। और आप एचसी वर्मा या डीसी पांडे में से कोई भी एक बुक तो ज़रूर ले लीजिए, या तो सिंगेज भी आप प्रेफर कर सकते हैं, बट सिंगेज में थ्योरी बहुत ज़्यादा है, उसको कंप्लीट करना इतने कम समय में आई डोंट थिंक ये पॉसिबल होगा। इसलिए कोचिंग मटेरियल भी आप प्रैक्टिस में ले सकते हैं, कोचिंग मटेरियल आराम से हाफ एंड मंथ में कम्प्लीट किया जा सकता है, बट सिंगेज इस टाइम पर कम्प्लीट करना इज़ वेरी टीडियस। इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको खुद से डेवलप करना हो तो आपको फिजिक्स काफ़ी ईजी लगेगा। मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स आप ज़्यादा टीडियस मत लीजिए, ये तो ब्रेन के लिए ही एक बेस्ट कंसंट्रेशन और फोकसिंग एबिलिटी बढ़ाता है मैथमेटिक्स का, कोई यानी आप ये भी समझे कि आपका जो ब्रेन है उसकी पावर डेवलप होती है। तो आप बस अगर जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनसीईआरटी और आरडी शर्मा बहुत इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत है। हाँ, पर आप कोचिंग मटेरियल ज़रूर लगा सकते हैं, इनके साथ कोई भी कोचिंग का लगा लीजिए, सारा ही बेस्ट रहता है। मैथ्स के लिए मॉक पेपर की बहुत ज़रूरत है, मॉक पेपर ज़रूर लगाइएगा, तभी आपकी स्पीड इन्हांसमेंट होगी। एंड ऑल्सो यू कैन टेक एनी वन, अमित अग्रवाल इज अ वेरी रिकग्नाइज राइटर इन केस ऑफ मैथमेटिक्स, तो आप उनकी अरिहंत की कोई भी सीरीज उठा लीजिए अमित अग्रवाल की, एंड यू कैन गो विद इट। सो कमिंग टू द एंड ऑफ सेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, बेस्ट विशेस फॉर द एग्जाम। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन मेल मी, ऑल्सो यू कैन कमेंट योर क्वेरीज, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। सो थैंक यू।